माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है? जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, लेकिन महोदय, लेकिन मतदान की प्रक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो ध्वनि मत से पारित होने की घोषणा की, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मोशन है, विश्वास विश्वास मत का। आप देखिए, जा रहे हैं कि बोल रहे हैं, जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं। महोदय, इसलिए और एक और कारण है कि जनता के बीच, हाँ, जनता के बीच तरह तरह का भ्रम फैलाया गया था कि इतने विधायक गायब हैं, इतने विधायक ये हैं, अभी खेला होना बाकी है। तो हम कहेंगे कि जो विश्वास मत के पक्ष में हैं, उनकी गिनती आप अवश्य करा लें, इसलिए कि बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि सरकार कितने अच्छे बहुमत से चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध हम यही करेंगे कि सदन से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें, मत लीजिए। माननीय सदस्यगण, अब मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभा सचिव, घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाए। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। उनके पक्ष में मतदान होना चाहिए ताकि वोटों की गिनती हो और पक्ष में कितने वोट हैं ये साफ हो जाए, यानी स्थिति पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। हालांकि ध्वनि मत से पास हो गया था प्रस्ताव इससे पहले भी, क्योंकि स्पीकर के चुनाव को लेकर भी जब मतदान हुआ था तब भी बहुमत था एनडीए के साथ, और इस बार फिर ध्वनि मत से भी पारित हुआ। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने यह आग्रह किया कि एक बार फिर मतदान होना चाहिए और मतदान के आधार पर कितना संख्या बल पक्ष में है ये स्थिति साफ होनी चाहिए, क्योंकि उनका यह कहना था कि आरजेडी की तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे थे कि बहुत से विधायक उनके पक्ष में नहीं है, उनके साथ नहीं है। ये संख्या बल इस वजह से यहां पर साफ होना चाहिए ताकि बिहार की जनता को ये पता लगे कि कितनी बड़ी संख्या में एनडीए के पास बहुमत भी है और सरकार के पास बहुमत होने के साथ साथ सरकार के पास मजबूती भी है। हालांकि नीतीश कुमार ने इससे पहले बोलते हुए कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पूरी जांच होगी, आरजेडी की तरफ से किस तरह से विधायकों को तोड़ने के लिए पैसे दिए जा रहे थे ये कोशिश की जा रही थी, जांच भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के लिए मैं मेहनत कर रहा था लगातार, लेकिन मेरी अनदेखी हुई, जो कुछ हो रहा था उसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था, इस वजह से वापस फिर वहीं आ गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी और अब सब दिन के लिए आ गए हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया था और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर शपथ ली थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि अब मैं एनडीए के साथ सब दिन के लिए आ गया हूं, यानी अब एनडीए के साथ ही रहूंगा, बीजेपी के साथ ही ये गठबंधन बना रहेगा। लेकिन इससे पहले पूरे विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है, विश्वास प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मतदान होगा। हालांकि विपक्ष वॉकआउट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद ध्वनि मत से पारित होने के बावजूद वोटिंग कराई जा रही है ताकि मतों का की गिनती हो सके और साफ तौर पर यह दर्शाया जा सके कि आखिर सरकार के पक्ष में कितना मतदान हुआ है। देखिए, एनडीए की तरफ से कुल 128 जो मतदान हुआ आज, और महागठबंधन के 115, बहुमत के 122 चाहिए। मैं एक बार पुनः रखता हूं,
प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करती है, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया खड़ा हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने यह विश्वास प्रस्ताव पर जो वोटिंग हुई उससे पहले क्या कहा, देखिए। तो मतों की गिनती की जा रही है, गणना शुरू की जाए। देखिए, अब मतों की गणना शुरू होगी क्योंकि ये मांग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई, उनकी तरफ से कहा गया कि मतों की गिनती होनी चाहिए। कब से हमने काम करना शुरू किया है 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में भी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए, कब हुआ था? आज तक भूल जाना है? अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की, कौन? इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत करते कुछ हुआ, और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। माननीय सदस्यगण, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है, देखो आप भी बैठे, 130 हुए, 130। माननीय सदस्य, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, अध्यासी सदस्यों का मनोनयन, उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधानसभा के 11th सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 2400, श्री हरिनारायण सिंह 2400, श्री विजय शंकर दुबे 2400, श्री भूदेव चौधरी 2400, श्रीमती ज्योति देवी 2400। माननीय सदस्यगण, आज सदन में महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होना है। सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के प्रक्रिया संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन में सप्तदश बिहार विधानसभा के 11th सत्र के लिए कार्य मंत्रण समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार करता हूं। माननीय
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, सौ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सौ श्री शकील अहमद खां साहब, माननीय सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी, सौ श्री आलोक कुमार मेहता, सौ श्री महबूब आलम, सौ श्री राम रतन सिंह, सौ श्री अजय कुमार, सौ नियमानुसार उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूँ। सभा सचिव, तो इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बहुमत साबित किया, विश्वास मत साबित किया। उन्होंने 129 वोट पड़े, एनडीए के कुल विधायक थे 128, लेकिन एक वोट ज्यादा पड़ा, 129 वोट पड़े हैं। विश्वास मत के पक्ष में 129 वोटों की गिनती होने के बाद ये कहा गया कि अब विश्वास मत हासिल कर लिया है। हमारे साथ रुपेश जुड़ गए। रुपेश, 128 थे एनडीए के विधायक, एक एक्स्ट्रा आया है, यानी 129 वोट पड़े हैं, और क्या इसी वजह से नीतीश कुमार ये भी कहना चाह रहे थे कि जरूर होनी चाहिए गिनती, ताकि ये पता लग सके कि कितनी मजबूती के साथ उनके पास बहुमत मौजूद है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, और इसी वजह से नीतीश कुमार हों या फिर विजय कुमार चौधरी हों, दोनों ये चाहते थे कि भले ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया है, सदन में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग रह गए हैं, ध्वनि मत से भी ये विश्वास मत पारित हो सकता है, लेकिन ध्वनि मत से विश्वास मत पारित होने के बावजूद नीतीश कुमार ने और विजय कुमार चौधरी ने ये आग्रह किया सदन से, आसन से, कि आप वोटिंग करा लीजिए और यहाँ पर मत विभाजन कराइए, ताकि बिहार की जनता को ये पता चल सके कि सत्ता पक्ष के पास कितना बहुमत का आंकड़ा है। जो कह रहे थे कि खेल होगा या इतने विधायक गायब हैं, तो नीतीश कुमार ने भी आग्रह किया, उसके बाद से आसन ने ये व्यवस्था दी कि वोटिंग कराई जाएगी, और वोटिंग में 129 जेडीयू के एक विधायक दिलीप राय अभी भी नहीं सदन में पहुँचे थे, तीन विधायक जो कि आरजेडी से इधर आए थे, और एक विधायक जो कि महेश्वर हजारी खुद हैं, वो आसन पे हैं। तो कुल मिलाकर 129 का आंकड़ा है। अगर महेश्वर हजारी, जो इस वक्त उपाध्यक्ष हैं, आसन पे मौजूद हैं, अगर उनको लें तो 130 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार को हासिल है, और इसके साथ ही ध्वनि मत से भी और मत विभाजन से भी नीतीश कुमार के इस सरकार में, इस मंत्रिपरिषद में सदन का विश्वास मत पारित हो गया है। लेकिन उसके पहले जो बहस मुबाहिसा हुई, जो नीतीश कुमार ने जो कहा, तेजस्वी ने जो कहा, सम्राट चौधरी ने जो कुछ कहा, और उसके दौरान नीतीश ने एक महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने बहुत बड़ी, बिल्कुल बोलिए बोलिए, बड़ी वजह उन्होंने बताई कि आखिर क्यों वो अलग हुए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये कमा रहे थे, तो क्या जांच होगी, और क्या उस तरफ इशारा किया नीतीश ने? जी हाँ, देखिए यही मैं सुमायरा कह रहा था कि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया था और पाला बदला था, उस वक्त उन्होंने कोई बड़ी वजह नहीं गिनाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने ये बड़ी वजह गिनाई है कि मुझे ये पता चला कि मैंने जिसको इज्जत दी, जिसको इज्जत बख्शी, जिसे सरकार उप मुख्यमंत्री बनाया, वो लोग कमाने में लगे हुए थे, ये सब कमा रहे थे, और उसी कमाई के पैसे से हमारे विधायकों को भी रुपेश सुनवा देते हैं, नीतीश ने क्या कहा सुनवा देते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा जारी थी, चर्चा के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, क्या उन्होंने कहा और फिर नीतीश ने क्या कहा वो भी सुनवाएंगे। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है, ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी।
मुख्यमंत्री जी, अरे आप पर दया किए, जंगल राज लाने वाले को जनता राज कह करके सुधरने का मौका दिए, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। जब कहा है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, अल्टीमेटली जनता तय करती है, जमहूरी निजाम में हम उनके बीच में जाएंगे। इनका अनैतिक आचरण के खिलाफ पूरा मजमा देश भर में और बिहार में लगेगा, गांव में, गवई में, चौपाल पे ये बात की जाएगी कि किस तरह से इन्होंने पहले वक्त से ही जो जिस सिंबल पे जीत के आता है उसको अपने आवंटित जगह पे ही जाना चाहिए, इसके खिलाफ काम किया हमारे स्पीकर महोदय ने, हम बहुत आदर करते हैं। चुपके से मैं देख रहा था कि इधर से आ रहे हैं वो लोग, उधर से आ रहे हैं, तो ये क्या प्रक्रिया है, ये है क्या, ये कौन सा छल और बल है? आपने नीतीश कुमार के स्पीच को सुना होगा, दो अहम बातें उन्होंने कही कि गठबंधन से बाहर निकले चूंकि कांग्रेस का एटीट्यूड ठीक नहीं था इंडियन अलायंस। सवाल व्यक्तियों का है ही नहीं, सवाल विचारों का है। विचार, जिस विचार के बारे में उन्होंने इतना महिमा मंडप किया और कहा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि इन्होंने देश का कबाड़ा कर दिया है, उनके बयानात हैं भाई, इनसे देश चलेगा नहीं, ये इतिहास मिटा रहे हैं, ये बापू के हत्यारों को गले लगा रहे हैं, ये खुद उन्होंने कहा, तो वो एक विचार था। लेकिन बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है वो आपको सुनाएंगे, इससे पहले सुनिए। मैं तो उनको एज अ सीनियर रिस्पेक्ट करता हूं और मेरे लिए तो काफी सरप्राइजिंग था कि उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, अपना आनंद, इन्हीं को लेकर लगातार चर्चा थी कि आरजेडी से जेडीयू की तरफ जाकर मतदान करेंगे, उस पर बैठे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कहा इंडिया गठबंधन को लेकर वो सुनिए। कब से हमने काम करना शुरू किया है 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में, क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए, कब हुआ था? और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था, हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो को उनको हमसे तकलीफ था। और हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। नीतीश कुमार ने बहुमत भी साबित कर लिया, किस वजह से वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए और किस वजह से इस गठबंधन से बाहर निकले, महागठबंधन से, वो भी उन्होंने स्थिति साफ कर दी। हमारे साथ रुपेश भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ पंकज झा भी जुड़े हुए हैं, सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आप भी लगातार बात कर रहे हैं सभी लोग जो बाहर निकल कर आ रहे हैं विधानसभा से, अब आरजेडी के पास यही विकल्प है, यही उनका बयान है कि वो जनता के बीच जाएंगे और बात करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कई गंभीर आरोप भी लगा दिए सदन के भीतर आरजेडी पर भी और इंडिया गठबंधन पर भी।
जी हाँ, दो बड़े आरोप लगाए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे और कहा जाता है विपक्ष को उन्होंने एकजुट करने की कोशिश सबसे पहले शुरू की, उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव और कांग्रेस दोनों मिलकर एक साथ खेल खेल रहे थे और मन मुताबिक, यानी कह सकते हैं कि जिस वजह से वो इंडिया गठबंधन बनाने को आगे बढ़े थे वो काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो गठबंधन से बाहर निकले। दूसरी बड़ी बात ये कही आरजेडी पर उन्होंने कि ये लोग पैसा कमा रहे थे, लाखों लाख ले रहे थे, और उन्होंने कहा इस बात से उतारेंगे और भाजपा मुक्त सरकार बनाएंगे। आपके तो अपने साथी साथ नहीं है, साथ छोड़कर चले गए। अरे छोड़िए, जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब देंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि खेला करें। आपके नेता कहते हैं। मैंने कभी नहीं कहा। कोई अगर विजुअल है हमारा ये कहने का कि खेला करेंगे, मैंने कभी नहीं कहा। अब ये हमारे नेता तय करेंगे क्या करेंगे। नहीं नहीं, हमारे नेता इस पर फैसला लेंगे, इस पर हम इसकी उम्मीद की थी आप लोगों ने। एक दिन पहले जो गिटार बजा रहे थे तेजस्वी जी के साथ, वो बदल गए अचानक। अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि हम तो बहुत पहले से विश्वास नहीं करते थे, लेकिन नेता को भरोसा था तो हम क्या करते। क्या दिक्कत है, जांच करवावे, उनके सरकार है, जांच करवावे, क्या दिक्कत है। तीन विधायक आपके टूट गए। नहीं, हम कहा तीन दिन। रुपेश, तो आप सुन रहे हैं, रुपेश भी हमारे साथ बने हुए हैं और पंकज भी लगातार। रुपेश, लेकिन ये सब जो आज विधानसभा में हुआ उसमें नीतीश कुमार ने जब बात रखी तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर आरोप हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अब इसके बारे में भी जांच की जाएगी, पता किया जाएगा। उन्होंने लाखों देने की कोशिश की जा रही थी, ये भी आरोप लगाया आरजेडी पर। क्या अब यही मुद्दे चुनाव के दौरान भी हावी रहने वाले हैं एनडीए की तरफ से, यानी जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से? क्योंकि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे कमा रहे थे, ये आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे देकर लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, यानी फिर वही भ्रष्टाचार का तमगा आरजेडी पर लगाने की कोशिश। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, और ये सबसे मुफीद एक रास्ता है या एक मुफीद अस्त्र है आरजेडी के ऊपर हमला करने का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पास हो या फिर नीतीश कुमार की तरकस में जो तीर हैं, और वो घोषित करने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार ने भी कहा, और नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री कहा, और बतौर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी जो कहा कि किसके विभाग में, आरजेडी के पास जितने विभाग थे, शिक्षा विभाग की भी चर्चा हुई, उन विभागों में भ्रष्टाचार हुआ, वो एक एक की फाइल खोलेंगे। यानी कि जो उप मुख्यमंत्री ने बातें कही वही बातें मुख्यमंत्री ने कही कि ये लोग कमा रहे थे। एक आरोप और एक बात जो पॉलिटिकल आरोप है, और दूसरा जो सरकार के रूप में लोग कमा रहे थे। माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि हमारे पास फिलहाल इतना ही वक्त है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन बिहार में आज जो कुछ हुआ उससे आगे क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में, उसकी दिशा भी किसी हद तक तय होती हुई दिखाई दी।